राजधानी में आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर तांडव देखने को मिला। विधानसभा घेराव अभियान के नाम पर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और डाक बामला चौराहा पर हंगामा किया। बाद में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इस दौरान पटना का जेपी गोलंबर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पुलिस बैरिकेड को तोड़कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने लगे, ईंट पत्थर से हमला किया। इसके बाद उपद्रव कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, साथ ही उपद्रवी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी पुलिस ने इस्तेमाल किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव मचाया, जिसमें उसकी कार्रवाई में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई दी और लाठियां बरसाई। जमकर लाठियां दोनों तरफ से जमकर हंगामा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जो जमकर हंगामा काटा, उसके बाद से पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें कई कार्यकर्ता भी घायल। आपको बता दें कि पूरा जो मामला है वो राजधानी पटना की है, जहां पे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इसी में जो जब जा रहे थे विधानसभा घेराव के लिए, तो पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, ये जो है रिहायशी इलाका है डाक बंगला, वहाँ पे पहले से जो है पत्थर मिले हुए हैं, आखिर आरजेडी कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करने आए थे या फिर जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं? लगता है मेरा संपर्क टूट चुका है, लेकिन फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए, आप बने रहिए। तब तक तो आपको बता दें कि राजधानी पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है और हंगामा किया है। इसमें दोनों तरफ से, पुलिस की तरफ से भी और आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, दोनों तरफ से झड़प हुई है जमकर। यहाँ पे पुलिस भी लाठियाँ बरसाई है। आपको बता दें कि विधानसभा घेराव करने में आरजेडी कार्यकर्ता जो है विधानसभा के घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद से दोनों तरफ से जमकर तो बता दें कि पटना में आज आरजेडी कार्यकर्ता जो है जमकर बवाल काटा है और उसके बाद से आज जो विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिससे दोनों तरफ से जमकर झड़प हुई। राजधानी की सड़कों पर भारी उपद्रव, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पिकअप वैन पर हेलमेट लगाकर चल रहे थे। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप समेत कई विधायकों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें एसके मेमोरियल हॉल में लाया गया। गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव ने पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटने का आरोप लगाया। वो सड़क पर उपद्रव और पत्थरबाजी, लाठीचार्ज किया उन्होंने। इसके बाद से तेजस्वी और तेज प्रताप को पिकअप वैन में हेलमेट लगाकर चल रहे थे। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप समेत कई विधायकों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें फिर इसके मेमोरियल हॉल में लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप यादव ने पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटने का आरोप लगाया। मोतिहारी मुहिम पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में अब मोरवा विधायक रणविजय साह, कल्याणपुर विधायक मनोज यादव, नरकटिया विधायक शमीम अहमद सहित अन्य नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। आपको बता दें कि 16 मार्च को पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने 54 लोगों को गिरफ्तार भी किया था।
जी के माता जी और पिताजी और परिवार के इस घटना से हम लोग इतनी मर्माहत है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार और महागठबंधन परिवार पूरा दुखी। हम न्याय के लिए चूंकि राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है और हमेशा न्याय के लिए यह पार्टी लगातार संघर्ष किया, तो आज पूरी घटना का अवलोकन करने के बाद जिस प्रकार से इनकी हत्या की गई, पवन गुप्ता की पैक्स अध्यक्ष थे और हमारे राष्ट्रीय जनता दल से। पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौक के पास हाईवा की टक्कर से दो बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों प्रदर्शन किया। दोनों मृतक भागलपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही घटना के बाद चालक और खलासी हाईवा छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता दें कि सारी जो मामला है ये पूर्णिया की है, जहां पे हाईवा के टक्कर से दो लोगों की बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर आपको बता दें कि जो है ग्रामीण है, आक्रोशित ग्रामीण ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरा मामला पूर्णिया के है। छापरा में मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। दरअसल कोपा के जेडीयू नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड मामले में छापरा के विशेष अदालत ने विधायक सत्येंद्र यादव के खिलाफ जमानत याचिका खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर सिंह का शव 2 जुलाई 2007 को गाँव के बाहर खेत में बरामद हुआ था। साक्षी की हाजिरी पड़ी हुई थी सेशन ट्रायल 552A 2007 में। साक्षी का नाम है कुंदन कुमार सिंह और उसका मैंने परीक्षण कराया। जब तक मैं वहाँ था जीरा के लिए कोई नहीं आया मुदाला की तरफ से। उसके बाद कोर्ट का आदेश हुआ कि अगर कोई जीरा करेगा तो करेगा, अगर नहीं करेगा मुदाला की ओर से कोई जीरा तो मुदाला पर गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश मैं कहूँ। झारखंड के जमशेदपुर में एमजीएम थाना क्षेत्र की टीम ने जेंट्स पार्लर से में छापमारी करते हुए 6 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पार्लर में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने छापमारी की, गिरफ्तार महिलाओं और पुरुष से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूचना मिला था कि भिलाई पहाड़ी के आसपास कुछ मेंस पार्लर चल रहा है, जिसके सत्यापन के लिए हम लोग थाना से गए और 6 लेडीज और 1 जेंट्स को पार्लर से मेंस पार्लर से पकड़ के लाए हैं। आवश्यक पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ना वैसा कुछ नहीं है, आपत्तिजनक सामान इन लोग के पास बरामद हुआ, बस ऐसे ही ये लोग पार्लर चला रहे थे। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने तेल कटवा गिरोह के 8 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी जयकांत ने बताया कि लंबे अरसे से अपराधी फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार, लूट की वाहन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है।